हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनटीए नेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो की जो भी नई वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको रिसेंटली मिल सके। सो आज हमारे इस वीडियो को बनाने का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं एनटीए के ऑफिशियल साइट पर और आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको मुश्किल हो रही है, तो जस्ट आपने देखिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपने जस्ट सिंपली गूगल पर जाना है, सर्च करना है सरकारी रिज़ल्ट। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो मैं यहाँ सरकारी रिज़ल्ट की ऑफिशियल साइट पर विज़िट करूँगी, जस्ट क्लिक करूँगी। मेन पेज आपको ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको डायरेक्टली एडमिट कार्ड सेक्शन में जाना है। एडमिट कार्ड सेक्शन पर आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एनटीए नेट एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन। सिंपली आपने उस एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एनटीए से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको ओपन हो जाएंगी। ठीक है, एडमिट कार्ड जस्ट इस पर क्लिक किया हमने, पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप देख पाएंगे एनटीए का, इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे, यहाँ पर सारी डिटेल्स गिवन है। जस्ट आपको सिंपली डायरेक्ट लिंक पर जाना है एडमिट कार्ड की। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को, स्क्रॉल डाउन करने के बाद इन लास्ट आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड। एंड यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटरफेस मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, इंटीग्रेटेड किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ। सो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तब आपको एप्लीकेशन नंबर, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड जो आपने प्रिंट आउट लिया है उस पर आपको गिवन होगा। आप वहाँ से चेक करके राइट एप्लीकेशन नंबर फिल कर सकते हैं एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म पर फिल की थी, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ फिल करके यहाँ पर देखिए ये एंटर सिक्योरिटी पिन है। सो डिफरेंट एडमिट कार्ड के लिए डिफरेंट सिक्योरिटी कोड होगा। यहाँ पर जो दिया गया है आपको, जो भी आपकी स्क्रीन डिवाइसेस पर विजिबल हो आपको वो फिल करना है। करेक्ट डिटेल मेंशन करने के बाद जस्ट आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। आप चाहें तो बिना सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर विजिट किए हैं आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आप ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे वहाँ पर आपका नेम, एडमिट कार्ड एंड वहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको शो होंगी। सो यहाँ पर आपको क्लिक करने के लिए आएगा अगर आप COVID-19 अगर इफेक्टेड नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। यहाँ पर फॉलोइंग, अगर आप किसी भी सिम्टम से इफ़ेक्टेड नहीं हैं आप किसी भी टिक पर मार्क मत करिएगा। एंड लास्ट में आप देखेंगे कुछ सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, तो अगर आपने, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इन पास्ट एंड COVID-19 के पर्सन से आप दूर रहे थे एंड आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वारंटाइन नहीं किया गया है तो जस्ट आप तीनों ऑप्शन में नो सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे। यहाँ एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड शो होगा जहाँ पर आपको सारी डिटेल केयरफुली चेक करनी है। जो डिटेल आपने फिल की थी वही शो हो रही है या नहीं, और नीचे आपको जो एग्ज़ाम डेट एंड टाइम है केयरफुली चेक कर लीजिएगा, बिकॉज आपका जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया गया आप एग्ज़ाम टाइम से पहले ही वहाँ रीच आउट करिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी फील ना करनी हो। ठीक है, सो जस्ट आपने ऐसा फॉर्म ओपन हो जाना है। आप इसको डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस भी डिवाइस में आप इसको ओपन कर रहे हैं वहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, एंड ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड दो फोटोज़ एंड ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। केयरफुली आप सभी इंस्ट्रक्शन को रीड करिएगा। थैंक यू।